हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट रेसिपीज। खीर तो सबको पसंद है और आज हम मखाने की खीर बनाने जा रहे हैं। फूल मखाने या फॉक्स नट्स न्यूट्रिएंट से भरपूर है और व्रत में भी इनका काफी उपयोग होता है। तो आज हम मखाने से ही बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस खीर, जिसे आप भगवान को भी चढ़ा सकते हैं और खुद भी बना के कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि खीर कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। ये खीर बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए, खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटी तले की कढ़ाई में 1 से 2 टेबलस्पून घी गरम कर लेंगे। घी गरम होते ही हम इसमें 1 कप फूल मखाने मिला देंगे। फूल मखाने को मिला के हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे, लगातार चलाते हुए, जब तक कि मखाने अच्छे से क्रंची ना हो जाए। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्किप ना कीजिए। मखाने रोस्ट हो चुके हैं, उन्हें क्रश करने पर वो इजीली पाउडर हो रहे हैं। इन्हें हम फ्लेम से निकाल देंगे और एक प्लेट पे ट्रांसफर कर लेंगे। अब खीर में ये सारे मखाने हम ऐसे नहीं डालेंगे, हम मखानों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। या हमने 3/4 कप मखानों को निकाल दिया है और 1/4 कप मखानों को हम साइड में रख रहे हैं। जो 3/4 कप हमने निकाला है ना, उसे हमें ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम ग्राइंडर जार में 4 इलायची के दानों को, उसका छिलका निकाल के और 3 से 4 केसर के रेशे को मिला के एक फाइन पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर बनाने से खीर बहुत ही इजीली गाढ़ी भी हो जाएगी और बहुत क्रीमी भी होगी। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 2 कप फुल फैट दूध ले रहे हैं। आप जब भी खीर या रबड़ी बनाएं तो फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल कीजिए। जब दूध में इस तरह का उबाल आ जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसी में रोस्ट किए हुए फूल मखाने मिला देंगे। फूल मखानों के साथ ही हम बनाए हुआ पाउडर भी इसमें मिला देंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो या फिर लो मीडियम रखेंगे और इसे हम अच्छे से पकने देंगे। ऐसा करने से हमारी खीर जो है वो बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे और अगर साइड में थोड़ी सी मलाई चिपक जाए ना, तो हम उसे भी निकाल के वापस दूध में मिला देंगे। थोड़े समय के बाद हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून शक्कर मिला देंगे। अगर आप चाहे तो शक्कर को कम भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून काजू और साथ ही में 1 टेबलस्पून पिस्ता को फाइनली चॉप करके मिला देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करके खीर को पकने देंगे। लगभग 9 से 10 मिनट टोटल लगते हैं खीर को पकने में, मतलब मखाने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध भी बहुत गाढ़ा हो जाएगा। 9 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी खीर अच्छी गाढ़ी होके तैयार हो चुकी है। जितनी भी मलाई साइड में लगी है उसे हमने निकाल के वापस दूध में मिला दिया है और ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे खीर ठंडी होती जाएगी ना, वैसे वैसे वो और गाढ़ी होती जाएगी। तो अब हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे और एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये खीर बहुत ही क्रीमी है टेक्सचर में और टेस्ट में बहुत स्वादिष्ट भी है। आप इसे कोई भी फेस्टिवल के दौरान या फिर व्रत के दौरान भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तैयार खीर को हम चॉप नट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और थोड़े पिस्ता मिलाए हमने और इसे हम वार्म या फिर ठंडा करके परोसेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़िया आएगा। तो अगर आप मखाने को स्वीट फॉर्म में रिलिश करना चाहते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।